दूरी बनाए रखी है 1 मीटर की, बात इकट्ठा करिए। महामारी जो फैली हुई है कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 बीमारी, इसमें हम लोग को एहतियात बरतनी है। मुंह पे मास्क लगाएं, कोई कपड़ा बांध ले, रुमाल बांध ले, और सोशल डिस्टेंसिंग यानी इसमें दूरी बना के 1 मीटर की कम से कम दूरी बना के रखना है। तो इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट इशू ने सबकी रसोई शुरू किया है, जहाँ पे जो है रोजाना की जो दिहाड़ी मजदूर हैं, लेबर तबका है, जरूरतमंद अफराद हैं, वो इसलिए उनके लिए उसमें खाना तैयार किया था कि कोई भी कहीं पर भी इस बीमारी की वजह से और लॉकडाउन की वजह से भूखा ना रहे। तो एक एक लोग आते जाइए और ये लेते हैं, अरे रुक जाओ, कहे पसंद लाइन न लागो, जो कोई ले दिखा चला जाए। हाँ, जो कोई पाओ तो तब तक कहो ना, बस यहाँ तो कमी है, मिलेगा सबको, जिसको अभी नहीं मिलेगा शाम में मिलेगा। गांव को मिले मिले हर जाइए हर जाइए। वे बच्चे हटो, ये झोपर पट्टी देखिए, अपने अपने को दे दिया है और दूसरा दे दो हमको। अब्बू तुम्हारे बिटिया आया था ले लीजिए। अंकल इसको दे दो, अपनी अप्पी को दे दीजिए। काफी देर है, दो दो रहो भाई, तुम जाओ। अंकल 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 भारत में भी ये महामारी फैल चुकी है और इसमें लाखों लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और सैकड़ों लोगों की हमारे यहाँ जान जा चुकी है, जिसकी वजह से सरकार ने ये लॉकडाउन किया हुआ है ताकि लोग अपने घरों में रहें और महफूज रहें। लेकिन रोजाना के जो खाने कमाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, उनके लिए चलेगा, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है इस लॉकडाउन की वजह से। रोजाना खाने कमाने वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो हम लोग जो है 23 मार्च से ही आप लोगों के बीच में है, कभी राशन बांटा जा रहा है तो कभी पका हुआ खाना बांटा जा रहा है। हम तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने आसपास वालों का ध्यान रखें और आसपास जो भी जरूरतमंद लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, असमी मजदूर लोग हैं, कबाड़ बीनने वाले लोग हैं या दिहाड़ी मजदूर, सभी लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि अब हालात बहुत खराब हो गए हैं। फाके तक की नौबत आ रही है और भूख से मौतें होने के भी समाचार बराबर हम लोग को पता चल रहे हैं। इसलिए फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी लोगों से गुजारिश करी जा रही है कि अपने आसपास वालों का ध्यान रखें और आप लोगों से कहना है कि आप लोग सफाई का बहुत ध्यान रखें, अपना अपने बच्चों का ख्याल भी रखना है कि ये वायरस को नजर तो नहीं आता है, ये बीमारी आपको नजर नहीं आएगी और कब लग जाएगी किसके द्वारा पता नहीं चलेगा। तो मुंह पे मास्क लगा ले, मास्क तो नहीं होगा तो कपड़ा बांध ले, रुमाल बांध ले, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी रखनी है, 1-1 मीटर की दूरी बना करके रखें। अब तक हमारी टीम ने तकरीबन पूरे शहर के 1200 घरों में, 1200 घरों से भी ज्यादा घरों में जो है राशन किट पहुंचाए जो कि जरूरतमंद थे। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट इशू की जानिब से पका हुआ खाना दोनों वक्त अलग अलग बस्तियों में तकसीम किया जा रहा है। तकरीबन 500 परिवारों में रोजाना तकसीम होता है, दोपहर में भी
और रात में भी। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि सफाई रखना है, कहीं बाहर से आइए तो इसके लिए सैनिटाइजर होता है, आप लोगों के पास सैनिटाइजर नहीं तो साबुन से ही कम से कम हाथ धो लीजिए, बच्चों की साफ सफाई रखिए, क्योंकि जब बड़े लोग इसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं तो हम गरीब मजदूर लोग इसका इलाज कैसे करवा पाएंगे। अगर ये महामारी हमारी बस्तियों में फैल गई तो इसकी रोकथाम कैसे होगी, तो हमें इसके ऊपर खुद ध्यान रखना है और इसके लिए जो है पूरी एहतियात हमको बरतनी है कि एक जगह पे लोग भीड़ की शक्ल में ना इकट्ठा हो, और इसी तरीके से मुंह पे कपड़ा लगा करके रखें, मास्क लगा करके रखें, अपने हाथों को साफ रखें, कहीं बाहर से आइए तो नहा लीजिए, सफाई रखिए, वैसे भी गर्मी आ गई है, बच्चों को साफ सुथराई रखिए, अपनी बस्ती में अपने घरों के आसपास साफ सफाई करिए, एक एक लोग आइए और ये लेकर के जाइए, इधर से आइए, एक एक लोग आइए, एक आएगा पहले एक चला जाएगा ना, सब कुछ ही मिला जल्दी आइए लेके जाइए, भीड़ खत्म हो गई, चलिए चलिए जाऊंगा दादा, मुंह पे बाहर करिए, इधर से निकलना, इधर से आना, तो छोटी मुन्नी चलो तुम जाओ इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, चलो पीछे कर लीजिए, और मुझे पढ़ाओ, प्याज जो है वही बचाव है, ग्लव्स पहने गए हैं ताकि कहीं से किसी को इन्फेक्शन ना फैलने पाए, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, बच्चे जो है अगर गंदगी में रहेंगे तो इन्फेक्शन बहुत फैलेगा, आप कुछ भी ना करें कम से कम सफाई तो रख सकते हैं अपने आस पास, दोनों रखिए भाई साथ मत आए, चलिए आप निकल जाओ, निकल जाओ, अरे आप साथ में लेकर निकल जाओ, दूर है एक एक लोग आइए, एक एक लोग एक एक मीटर दूरी बना करके रखिए, पीछे बहुत सफाई रखनी है आप लोगों को, किधर आइए, एक चले जाए तो दूसरा आ जाएगा, एक एक लोग आइए, एक एक लोग, अच्छा चलिए चलिए चलिए, बहुत साफ सफाई रखिए, जैसे कपड़ा है आपका इसको मुंह पे बांधिए, इसको बांध लीजिए ऊपर में, मास्क नहीं है तो अपना बचाव खुद रखिए, सरकार सबके दरवाजे पे नहीं आएगा।
चढ़ा सके दरवाजे पे नहीं आएगी। एक एक लोग आइए, एक एक लोग आइए, सबको मिलेगा। बहुत दिक्कत आइए, एक लोग जल्दी आइए।